ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बकरी चोरी के शक में 15 से अधिक लोगों ने मां बेटी की बंदूक की बट से मारपीट की है। पीड़ित एसपी के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ग्वालियर में आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के शक में 1.5 दर्जन लोगों ने मां बेटे को घर से बाहर निकालकर और बंदूक की नोक से जमकर मारपीट की। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामले की जांच नहीं की। इसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां से महाराजपुरा पुलिस को कार्रवाई के आश्वासन मिलने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मां बेटे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। फरियादी का कहना है कि शिकायत करने पर FIR दर्ज हो गई है। मामला ये हुआ सर, मैं था उज्जैन से जब मैं लौट के आया 1 तारीख को 12:30 के आसपास सर, तो वो लोग अचानक मेरे घर पे आ गए सर। लोग थे, कितने लोग थे कहाँ? हाँ, 17 लोग थे समथिंग सर, और बाद में मुझे पता पड़ा वो लोग ठाटीपुर से आए थे सर, सिरौल थाने के। मेरे ऊपर सर, मैं जैसे ही गाड़ी से, उन लोगों ने मुझे गाड़ी से खींचा सर, और बोलते हैं कि तूने मेरी बकरियाँ चोरी की हैं। और मैंने उनको बताया कि मैं तो था ही नहीं, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ, मैं तो उज्जैन में था, मेरे पास सारे सबूत हैं, टोल वोल जो भी कटे हैं, होटल के बिल विल खाने वाने के। तो उन लोगों ने नहीं माने नहीं और मुझे खींच के ले गए, नाक आँख में मुक्का मारा, बंदूक मेरी मम्मी की छाती से लगा दी, बट से मारा, और प्लस मतलब बंदूक कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। तो खींचते हुए मुझे ले गए बंदूक छाती से लगाते हुए, बोला तू चल साथ में, लेकिन कॉलोनी वालों ने मुझे बचा लिया, गाड़ी में ले जा नहीं पाए। तो फिर शाम को सब जब मैं थाने में, मतलब उसी टाइम में जब थाने में गया, तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बंदूक लेके आए थे। तो उन्होंने मेरा मेडिकल कराया और मैंने उनसे बोला बंदूक लिख दो बंदूक रिपोर्ट में। तो उन्होंने ये बोला कि बंदूक लगाई छाती से, चलाई तो नहीं ना तुम्हारे ऊपर, तो मेडिकल में खून निकल रहा था। तो उन्होंने मेरी FIR भी नहीं काटी, NCR काट दी। फिर शाम को मुझे सरौल थाने में बुलाया गया, तो मैंने वहाँ जाके TI साहब को अपने सारे मतलब बयान दिए, जो भी मेरे पास प्रूफ थे वो मैंने उनको बताया कि टोल वोल कटे जो भी। तो उन्होंने बोला कि जाके इसके नाम से FIR कर दो, ये तुम्हारे घर पे गया, तुम अपने घर जाओ। तो अभी SP साहब से शिकायत दी जाती है? हाँ, कल मैंने SP साहब को शिकायत दी है। अब देखो, उन्होंने बोला कि FIR हो जाएगी उनके ऊपर। अभी FIR हुई नहीं? अभी हुई नहीं है, मेरे को बुलाया नहीं था। बोला था कि ये बंदूक चलाई तो नहीं है? हाँ, ये उनने कोई कटा रहे थे महाराजपुरा थाने में, उन्होंने बोला ASI थे, उन्होंने बोला। CSP रवि भदौरिया का कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, जल्द मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण संज्ञान में आया है और इसके बारे में जानकारी लेने पे मालूम हुआ है कि सिरौल थाना क्षेत्र में बकरी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें फरियादी पक्ष के द्वारा शंका के आधार पर गंगा विहार कॉलोनी थाना महाराजपुरा में रहने वाले एक युवक और उनकी मां के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई है। इस पर से थाना महाराजपुरा में रिपोर्ट दर्ज है और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।